My dear students, today I am going to explain you all subject science of class 3. Chapter number 11, the name of the chapter is the solar system. Okay, our solar system consists of the sun, the moon, stars and the planets. तो जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, हमारा सन होता है, मून होता है, स्टार्स होते हैं और प्लैनेट्स होते हैं. द सन, ओके, अब हम सन के बारे में जानेंगे. द सन इज अ स्टार फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन होता है वो एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम के बीच में पाया जाता है, ठीक है. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल एक आग का गोला है जो हमें हीट और लाइट देता है. द सन सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. जो सन है वो उसमें मतलब सन है, इस वजह से हम अर्थ पे जीवित है या फिर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. द हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स. जो हेवनली आकाशीय पिंड होते हैं वो जो चारों ओर घूमते रहते हैं सन के, वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. 8 प्लैनेट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में. कौन कौन से, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे प्लैनेट्स चारों ओर घूम रहे हैं सन के. आपको उन प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं. ओके, तो आपको ये आपका होमवर्क होगा, आपको इसको नेम लिखना है. नाउ द मून. द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जो मून है वो मात्र एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इसके पास स्वयं की कोई लाइट नहीं होती है. इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन. इसको कहाँ से लाइट मिलता है, सन से मिलता है. फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून विच इट इज लिट अप बाय द सनलाइट. मतलब हम अर्थ से उसी पार्ट को देख पाते हैं मून का जिस पार्ट पे सन के द्वारा उस पर लाइट पड़ती है और जिसकी वजह से वो जलता है, मतलब वो चमकता है. ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है. इट टेक्स अबाउट 28 डेज टू गो राउंड द अर्थ. ये कम से कम 28 डेज लेता है अर्थ के चारों ओर घूमने में. ड्यूरिंग रोटेशन मून चेंज इज शेप. जब ये रोटेशन करता है तो ये अपने शेप को क्या करता है, चेंज करता है. द डिफरेंट शेप ऑफ मून आर कॉल्ड इट्स फेजेस. और जिस इसके डिफरेंट जो शेप्स होते हैं मून के, वही क्या कहलाते हैं, फेजेस कहलाते हैं. ओके, द फर्स्ट फेज ऑफ द मून इज कॉल्ड न्यू मून. जो पहला फेज होता है मून का वो क्या कहलाता है, न्यू मून कहलाता है. द लाइटेड साइड ऑफ द मून फेजेस ऑल अवे फ्रॉम द अर्थ. जो लाइटेड साइड होता है, मतलब जो चमकता रहता है मून का जो फेस, वो मतलब अर्थ के सामने वाले मतलब तरफ होता है. ओके, सॉरी, ये अर्थ के सामने नहीं, अर्थ से मतलब दूसरी तरफ होता है. द मून दैट वी सी इज कम्प्लीटली डार्क. जो मून हम देखते हैं वो एक पूरे तरीके से क्या होता है, डार्क होता है, काला होता है. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द सन अर्थ एंड मून लाई इन द स्ट्रेट लाइन. ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. आफ्टर न्यू मून द लाइटेड पोर्शन ऑफ द मून स्ट्रेट इंक्रीजिंग. फिर क्या होता है कि जो कुछ
एक नया मून फिर क्या होता है, निकलता है जो कि एक लाइटेड पोर्शन से बढ़ते जाता है. ओके, वी सी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मून कॉल्ड क्रिसेंट मून. जब हम एक छोटा सा पार्ट देखते हैं मून का तो उसे हम क्रिसेंट मून कहते हैं. इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है फेजेस ऑफ मून. देख लीजिए कैसा है, न्यू मून, हाफ मून, फुल मून, क्रिसेंट मून और ग्लीबियस मून. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिसेंट मून ग्रोज टिल इट बिकम हाफ लाइटेड. ये तब तक ग्रो करता है जब तक ये हाफ लाइटेड ना हो जाए. नाउ वी कैन सी हाफ लाइटेड पोर्शन ऑफ द मून कॉल्ड हाफ मून. फिर उसके बाद हम हाफ लाइटेड पोर्शन देखते हैं जिसे हाफ मून भी कहा जाता है. ओके, फिर उसके बाद व्हेन वी सी मोर देन हाफ पोर्शन ऑफ द मून लाइटेड इट इज़ कॉल्ड गिबियस मून. जब हम आधे पोर्शन से ज़्यादा मून को लाइटेड देखते हैं तो उसे गिबियस मून कहते हैं. आफ्टर द गिबियस मून वी सी द फुल लाइटेड मून इज़ कॉल्ड फुल मून. अब गिबियस मून के बाद हम पूरा लाइटेड मून देखते हैं जिसे फुल मून कहते हैं. आफ्टर द फुल मून द लाइटेड पोर्शन ऑफ द मून स्टार्स डिक्रीजिंग एंड फाइनली ब्लैक टू न्यू मून. फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये फुल मून धीरे धीरे जो लाइटेड पोर्शन होता है धीरे धीरे अब घटना शुरू करता है और फाइनली वो वापस से बैक टू न्यू मून, वापस से वो नया मून बनने स्टार्ट कर देता है. ओके, नाउ द स्टार्स, अब स्टार्स के बारे में है. वी सी मेनी स्टार ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई. हम रात को बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे आकाश में देखते हैं. स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर. जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ही विशाल आग का गोला होते हैं. सम स्टार्स फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न इन द स्काई. कुछ स्टार्स जो है वो स्पेशल तरीके के पैटर्न स्काई में बनाते हैं. दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स आर टुगेदर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. ये स्पेशल तरीके का जो ग्रुप इन लोग साथ में रहते हैं इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. देयर आर मेनी कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई. आकाश में बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ओरसा मेजर और ओरसा माइनर. देख लीजिए इस तरीके के हमें पैटर्न स्काई में देखने को मिलते हैं जब स्टार्स निकलते हैं. ओके, नाउ पीपल हु स्टडी अबाउट हेवनली बॉडीज लाइक सन, मून, प्लैनेट एंड स्टार्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. जो लोग हेवनली बॉडीज मतलब आकाशीय पिंड के बारे में जैसे सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं. ओके, व्हाट इज द डायरेक्ट डूइंग इन द पिक्चर. पिक्चर में एक डायरेक नाम का लड़का है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछा रहा है कि डायरेक क्या कर रहा है पिक्चर में. डायरेक इज यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेलीस्कोप टू लुक दैट द मून एंड स्टार्स. तो डायरेक क्या कर रहा है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा है जिसका नाम है टेलीस्कोप, जिसकी वजह से वो मून और स्टार्स को देख सकेगा. अब यहाँ बताया जा रहा है टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स एंड स्टार्स. मतलब टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम बहुत ही दूर, बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए और स्टार्स हो गए. ओके, सो ये चीज़ें थी आपके चैप्टर में. इन दिस वे योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. Now, A number is take the correct option. First is, the dash supports life on the earth. Your answer is option number A, sun. Second is, the moon takes about dash days to go around the earth. Your answer is option number B, 28. Third is, the first phase of the moon is called. Your answer is option number C, new moon. Fourth is, people who study about heavenly bodies are called. Your answer is option number B, astronomers. Now fifth is, a dash is an instrument used to see far off objects. Option number A, telescope. Okay. Now, answer in one word,
First is a star found at the center of the solar system is, your answer is sun. Second is heavenly body that move around the sun, your answer is planets. Third is natural satellite of the earth, your answer is moon. Fourth is first phase of the moon, your answer is new moon. Fifth is groups of stars, your answer is constellations. Okay, in this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.